ये जाति का जो जनगणना कम किए इसका दिखाएंगे कि कितना पावर में हम लोग को है, कुशवाहा समाज कितना पावर में है। और 25 में तो कहानी कहने भी हमारे बिहार से आए हुए साथी हैं वो सब लोग एकजुट होकर उपेंद्र कुशवाहा के हाथों को मजबूत करें इसके साथ यहाँ आए हैं और यही शपथ लेके जा रहे हैं और जाऊंगा कि हम उपेंद्र कुशवाहा को भावी मुख्यमंत्री मानते हैं। हम लोग यही निर्णय किए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के हाथों को पूरा मजबूत करें और बिहार में उनकी सरकार बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और हम लोग यही हम पहले जदयू में थे, उसके बाद हमारे नेता उस पार्टी को छोड़ के अपना खास पार्टी बनाए लोकसभा का, वह 40 के 40 सीट भी हम लोग यहाँ जिताकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कर। तेजस्वी यादव का अब राज गया, हम लोग राजतंत्र नहीं चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी हैं ये जो मध्यम वर्गीय परिवार है उन पे विशेष ध्यान देते हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं। इसका इनका छात्रों के लिए है कि ये शिक्षा पर आंदोलन कर चुके हैं, लाठी खा चुके हैं, तब जाकर आज नीतीश कुमार कुछ। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और बिहार के पूर्व दो बार मुख्यमंत्री बन चुके और लोक जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा मनाया जा रहा है, यानी कि RLJD के द्वारा मनाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी भी थे, शिक्षक भी थे और बिहार के दूसरा उप मुख्यमंत्री थे और दो बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और आज यहाँ पर पूरे दल बल के साथ पूरे बिहार से लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर कृष्ण मेमोरियल हॉल में आए हुए हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए सभी लोग आए हुए हैं। पार्टी के अध्यक्ष, प्रखंड सचिव से लेकर के सारे सदस्य लोग यहां पर आए हुए हैं और काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे हॉल के बाहर इतने सारे लोग हैं और हॉल में लोगों को खड़ा होने के लिए जगह भी नहीं है। हमारे साथ RLJD के पटना जिला के दुल्हिन बाजार प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष बंसीधारी कुशवाहा हैं, साथ ही साथ इनके सारे समर्थक हैं और एक समय में ये लोग जो थे नीतीश कुमार को भी काफ़ी सपोर्ट किए थे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाने में, है कि नहीं? आइए, क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक जनता दल के उप जिला अध्यक्ष हूँ, दुल्हिन बाजार प्रखंड के। आप तो पहले जदयू में भी थे? हाँ, हम पहले जदयू में थे, उसके बाद हमारे नेता उस पार्टी को छोड़ के अपना खास पार्टी बनाए, इसलिए हम लोग इस पार्टी में। नीतीश कुमार जी के साथ में भी आप लोग काम किए थे? हाँ, बहुत दिन काम किए हैं, साथ साथ चले थे, छोड़ दिए। हाँ, तो पार्टी दूसरे में चले, हम उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में आ गए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है लोक जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाया जा रहा है। मैं दुल्हिन बाजार प्रखंड अध्यक्ष हूँ, राजवंशी प्रसाद कुशवाहा नाम है और मैं यहाँ उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, उनका समर्थन करने के लिए आया हूँ और यहाँ हम कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह में उपस्थित हूँ। और यहाँ मैं अपने बगल में पालीगंज के प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुशवाहा जी हैं और हम लोग यही निर्णय किए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के हाथों को पूरा मजबूत करें और बिहार में उनकी सरकार बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि जितने भी हमारे बिहार से आए हुए साथी हैं वो सब लोग एकजुट होकर उपेंद्र कुशवाहा के हाथों को मजबूत करें और उनकी सरकार बनाने में हम लोग मदद करें। अभी हम लोग NDA के साथ हैं, अभी हम लोगों का लक्ष्य है कि बिहार से 40 सीट है लोकसभा का, वह 40 के 40 सीट भी हम लोग यहाँ जिताकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। आज जो बिहार का परिस्थिति है उससे हम लोग बहुत त्रस्त हैं, जो आज फिर जंगल राज की ओर वापस आ रहा है इसके विरोध में भी हम लोग हैं। बहुत दिन हम लोग नीतीश जी के भी साथ रहे हैं लेकिन हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पार्टी से अलग हुए और मैं उन्हीं लोगों के साथ जुड़ा हूँ और मैं उनके द्वारा जो हमारा जो दुल्हिन बाजार प्रखंड का अध्यक्ष बनाया गया है, मैं अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ और वहाँ से पूरे अपना लाव लश्कर के साथ यहाँ आए हैं और यही शपथ लेके जा रहे हैं और जाऊँगा कि हम उपेंद्र कुशवाहा को भावी मुख्यमंत्री मानते हैं और बनाने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव क्या करेंगे? वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? तेजस्वी यादव का अब राज गया,
हम लोग राजतंत्र नहीं चाहते हैं। क्या क्या जादव समाज में सिर्फ तेजस्वी ही पढ़े लिखे हैं कि और कोई जादव लोग हैं पढ़े लिखे? तो उनको क्यों नहीं सामने लाते हैं? वह तो लालू जी चाहते हैं कि हमारे परिवार सिर्फ रहे, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं और इसी के चलते हम उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। हमारे साथ और भी पार्टी के जो लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अनिश मौर्य और बक्सर जिले से अभी प्रदेश छात्र उपाध्यक्ष हैं। अभी छात्र से छात्रों का काफी महत्व रहता है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप गला में भी उपेंद्र कुशवाहा का फोटो वाला पहने हुए हैं। हम लोग का यही कहना है कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये जो मध्यम वर्गीय परिवार है उन पे विशेष ध्यान देते हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, और विशेषकर इनका छात्रों के लिए है कि ये शिक्षा पर आंदोलन कर चुके हैं, लाठी खा चुके हैं, तब जाकर आज नीतीश कुमार कुछ सुधार कर रहे हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए बीपीएससी के जो माध्यम से बहाली हो रही है शिक्षा का। अच्छा, चलिए और भी अंदर चलते हैं और हॉल का स्थिति दिखलाते हैं कि हॉल में कैसे लोग आए हुए हैं। बाहर का तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग बाहर में भी दिख रहे हैं। थोड़ा सा अंदर चलते हैं और वहाँ का माहौल आपको दिखलाते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुशवाहा नाम हुआ मेरा। कहाँ से आए हैं? वैशाली लालगंज से। वैशाली लालगंज से आए हैं जी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि लव कुश में आते हैं हम लोग, लव कुश से उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं, और नीतीश कुमार जी तो 20 साल राज किए लेकिन कुशवाहा समाज को नथिंग मिला, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अब हम लोग का वो है आखिरी ख्वाहिश है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को शीर्ष नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए हम लोग देखना चाहते हैं, और इस बार 24 में हम लोग झटका देंगे नीतीश कुमार को। ये जाति का जो जनगणना कम के इसका दिखाएंगे कि कितना पावर में हम लोग को है, कुशवाहा समाज कितना पावर में है, और 25 में तो कहानी खत्म। अंदर आइए, हॉल में दिखाते हैं आपको। देखिए बाहर में भी लोग बैठे हुए हैं, अंदर अब देखिए जाने के लिए जगह है या नहीं। थोड़ा सा साइड होइए भैया, अंदर देखिए, थोड़ा सा जाने दीजिए। देखिए एक मिनट थोड़ा देखिए, गजब का भीड़। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हॉल है पूरा खचाखच भरा हुआ है, और ये देखिए ये देखिए लोगों का जन सैलाब आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो है उपेंद्र कुशवाहा भाषण दे रहे हैं और लोगों को संबोधन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है। बहुत आदमी है सर, बहुत आदमी। हम लोग खगड़िया से आए हैं जी, कताना स्थान जान रहे हैं? धमारा घाट कताना स्थान, जहाँ से राजरानी की दुर्घटना हुई थी, हम लोग वहीं से आए हैं, धमारा घाट से। कितने लोग आए हैं? हम लोग 50 आदमी आए हैं। 50 आदमी जी, 10-12 गाड़ी आए हैं, स्कॉर्पियो से आए। देख सकते हैं कि कितने संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं RLJD पार्टी के समर्थन में। इधर देखिए, क्या नाम है चाचा? राम बाबू से। कहाँ से आए हैं? कंचनपुर हाजीपुर से। किसलिए आए हैं? देखने के लिए। क्या देखने आए हैं? नेताजी के। नहीं देखे? नहीं देखे हैं, देख रहे हैं। प्रभाव बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बढ़िया प्रभाव है। हाँ, ये नहीं मालूम है कि किस लिए आए हैं वो। हम लोग आए हैं जयंती समारोह में। जयंती समारोह में? किसका जयंती है? कर्पूरी ठाकुर का। ठाकुर का? क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू सिंह। तो देखिए काफी संख्या में लोग हैं, और उम्मीद है कि जो मैं आपको दिखलाने का प्रयास कर रहा था आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।